यानी हम क्या करें कि इस एक्टिविटी के सबसेट बना लें, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अगर 9 है तो 2 की पावर 9 सबसेट बना लें। हमें सबसेट बनाने याद है, सेट के सबसेट कैसे बनते हैं, तो हम इसके जो है वो 2 की पावर 9 यानी सबसेट बना लें, जिसको हम पावर सेट भी कहते हैं। ठीक है, पावर सेट या सबसेट, पावर सेट ऑफ गिवन सेट एस विच वुड बी इक्वल टू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 आई थिंक सो 512 होता है, मैंने देखा है 512। ठीक है, तो आपने कहा कि इतनी इसके ऑप्शंस जो है वो बन जाएंगे, या 2 की पावर 9 जो है वो ये रिजल्ट आपको दे देगा, इतने ऑप्शंस इसके, और एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर आपके पास जो है वो ये भी इसी तरह ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल ऑप्शंस आएंगे, यानी आप जो है वो इसके 512 डिफरेंट सेट्स जो है वो बना लें, और फिर देखें उसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा फिजिबल है, यानी फिजिबल से मुराद है कौन से आपकी मैार पर ग्रोथ होगा। क्योंकि हो सकता है जब सबसेट आप बनाएंगे तो कुछ तो रिजेक्ट ही हो जाएंगे। रिजेक्ट इसलिए हो जाएगा कि अगर कोई 1 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो रहा है, गौर सुनिएगा, 1 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो रहा है कोई जॉब, 1 से शुरू हुई और 3 पे खत्म हुई, तो अगली जॉब 3 से पहले शुरू नहीं हो सकती। लेकिन अगली जॉब ये वाली देखें कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से। इसका मतलब अगर आपने इसको पहले किसी सेट में कंसीडर कर लिया है, इसको जॉब नंबर 1 को इसी सेट में कंसीडर कर लिया है, तो उस सेट में जॉब नंबर 2 कंसीडर नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकता कि ये 3 पर खत्म हो रहा है तो 2 से कैसे स्टार्ट करेंगे आप। लेकिन क्योंकि सबसेट बना रहे हैं तो आप सबसेट में तो ये सोच नहीं रहे, आप तो लिख देंगे कि A1 और A2 एक सबसेट बन गया, लेकिन ये बाद में रिजेक्ट हो जाएगा कि ये तो फिजिबल है ही नहीं हमारे लिए। तो ये सारे आप सबसेट जो है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, सारे सबसेट जनरेट कर लेंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा फिजिबल होगा, यानी उसमें कोई वायलेशन भी ना हो रही हो और सबसे ज्यादा एक्टिविटी भी हो रही हो, तो उस सेट को आप कह देंगे कि ये मेरा मैक्सिमम जो है वो एक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट कर। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या हमने हमें ये मालूम है, क्या हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी सेट का सबसेट बनाते हैं, कोई सेट है और उसका सबसेट बनाया जाए, तो उसको टाइम कितना लगता है सबसेट बनाने, यानी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सबसेट बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम, यानी आपके पास एक एल्गोरिथम है जिससे आप मैक्सिमम सबसेट बनाना चाहते हैं, तो उसको टाइम कितना दरकार है। तो ये बात शायद हमने DEE में पढ़ी है, मैंने अभी इस वक्त तो नहीं पढ़ाई। आ रही है बात, अब आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने ये बात DEE में पढ़ी है, इस वक्त तो मैंने नहीं पढ़ाई, जा रहा है ये तो इस वक्त रेज हो गया प्रॉब्लम, तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, पढ़ाऊंगा तो नहीं, कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ सबसेट्स यूजिंग एन एल्गोरिथम, कोई एल्गोरिथम यूज करके, तो ये कहता है यहाँ पे, मैं ये इसको रीड कर देता हूँ। तो वो ये कहता है कि इफ वी मेक ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द एक्टिविटीज देन वन ऑफ देम शुड बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उनमें से एक जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी ऐसा होगा कि जो दोनों कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहा हो। पहला कंस्ट्रेंट है कि आपका सबसेट वायलेशन ना करता हो, और दूसरा दूसरा जो है वो ये है कि उसके अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी भी हो। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी भी हो, ये 2 कंस्ट्रेंट जो है वो अगर फुलफिल करता है तो आप उस सेट को सेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो सबसेट बन रहे होंगे उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है इश्यू इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक द सबसेट, कितना टाइम लगेगा सबसेट बनाने में। इफ यू आर चूजिंग एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सबसेट तो हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक, ना कि कितना ये टाइम जो है वो लेगा। कहता है प्रोबेबली ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल, जब आप किसी को सबसेट बनाते हैं ना डायरेक्टली बगैर सोचे कि मुझे सबसेट बनाने और एक एल्गोरिथम पिक कर लेते हैं, तो नहीं, ये सब नुमान ने कहा 2 की पावर n, हाँ, और एक्सपोनेंशियल बिल्कुल सही है, इतना ही टाइम तकरीबन लगता है सर, 512 सबसेट बनेंगे, बिल्कुल सही है, आपने जवाब सही दिए, वही एक्सपोनेंशियल कह लो, मैंने किसी स्पेसिफिक नहीं कहा। तो आप जब किसी एल्गोरिथम से सबसेट बनाना शुरू करते हैं तो वो एल्गोरिथम जो टाइम चाहिए उसको वो है एक्सपोनेंशियल टाइम, यानी मिसाल के तौर पे मैं जैसे मैंने लिखा 2 की पावर n टाइम रिक्वायर्ड है उसको एल्गोरिथम, अब ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। इसलिए ये मैकेनिज्म आपका है तो अच्छा,
अच्छा है सेंस में कि जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, जो फाइनल सबसेट आएगा वो 100% श्योर होगा, यानी इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि ये रिजल्ट जो है वो गलत है। और सुनिए क्या कह रहा हूँ, यानी आपके पास 512 सबसेट बन गए, 512 सबसेट बनाने के बाद उनमें से एक जो सब जो दोनों कंडीशन वायलेशन को भी और मैक्सिमम को भी ट्रू करता है उसको आपने पिक कर लिया, जब वो पिक हो जाएगा तो ये 100% श्योर होगा कि इससे बेहतर आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल सकती। लेकिन सर मसला ये है कि इस काम को करने के लिए जो टाइम दरकार है ना वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। मतलब ये सोल्यूशन तो फिजिबल हो गया और सोल्यूशन के बाद ये है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी हम 100% श्योर हो गए, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना वो हमारे लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो लिहाजा ये मेथड जो सबसेट बनाने का मेथड है ये हम इस पे इज्जत नहीं करेंगे, हम चूज नहीं करेंगे ताकि हम इससे जो है बचें। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो देगा रिजवान अली साहब, देखो ऑप्टिमल इससे देगा, देखो गौर सुनना कि इन तमाम सबसेट को बनाने के बाद जो सेट फाइनली पिक होगा वो ऑप्टिमल तो होगा ना, क्योंकि इसमें गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, इसमें दो चेक ले रहे हैं, वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो उसके अंदर कि आपका सेट जो है वो A1 और A2 रखता हो, तो ऐसा कोई सेट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि A1 A2 जो कि जो 3 पे खत्म हो और अगला 2 पे शुरू हो जाए। हाँ A1 और A3 एक सेट के अंदर हो तो वो कंसिडरेबल है, A1 और A1 जॉब और A3 जॉब किसी सेट में लिखे हुए, यानी आपने कहा कि जो मैंने सबसेट बनाए हैं, जो सबसेट मैंने डिजाइन किए हैं, जो मैंने सबसेट बनाए हैं, मिसाल के तौर पर एक सबसेट ऐसा बनाया है जिसमें A1 है और उसमें A2 है रिजवान, ठीक है, और एक सबसेट ऐसा बनाया है जिसमें सबसेट तो सारे पॉसिबल बनेंगे, इसमें A1 है और A3 है, ये A1 है, A1 है और A3 है, ठीक हो गया, और इस तरह के बहुत सारे सबसेट बनेंगे, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा कि इसके अंदर वायलेशन है, ये वायलेशन नहीं कर रहा क्योंकि A1 3 पे खत्म हो रहा है और A3 4 पे, तो ये वायलेशन वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन देखेंगे कि ये क्या मैक्सिमम सिलेक्शन है या नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि कोई दूसरा सेट तीसरा सेट जिसमें वायलेशन ना हो, तो वो सारे सेट, गौर सुनिएगा, वो सारे सेट जिसमें वायलेशन नहीं हो रही होगी वो सारे आपके फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, वो तो हटा ही देंगे जो उसमें वायलेशन हो रही है। यानी मिसाल के तौर पर एक और सबसेट भी आ सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और सबसेट आ सकता है कि आप कहें कि A1 आ जाए, A3 आ जाए, ठीक है, और A3 के बाद A5 आ जाए, A3 खत्म कहाँ हो रहा है 7 पे और A6 आ जाए, 5 नहीं 6 आ जाए, तो ये सबसेट जो बनेगा ये भी फिजिबल सबसेट होगा, ये भी, क्योंकि इसके अंदर भी वायलेशन नहीं है, जिसमें वायलेशन है वो तो फिजिबल ही नहीं है, जिसमें वायलेशन नहीं है वो फिजिबल है, तो ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल। अब इन तमाम फिजिबल सोल्यूशन में से जो आपके पास ऑप्टिमल रिजल्ट दे रहा होगा वो मैक्सिमम ऑप्टिमल रिजल्ट, यानी जो सबसे ज्यादा सेट बना रहा होगा वो आपका रिजल्ट, सही है, और 100% श्योर होगा ये बात, इसमें 100% श्योर होगी कि इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने सारे रिजल्ट को देखा है और सारे फिजिबल रिजल्ट देखने के बाद उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, तो ये श्योरिटी तो जरूर मिलेगी 100% हमें रिजल्ट जो है वो ठीक मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है भाई कि ये करेगा कौन, ये काम कौन करेगा, कौन चूज करेगा ऐसे पुअर एल्गोरिथम को जिसमें एक्सपोनेंशियल टाइप एल्गोरिथम इंप्लीमेंट, तो दिस इज नॉट, अब मैं फिजिबल का वर्ड एल्गोरिथम के इनसाइट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब, हम लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि दिस इज दिस सॉल्यूशन, द वे ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल फॉर अस, ये हमारे लिए बेहतर सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाए। आइए अब अगले सॉल्यूशन पर चलते हैं, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं जो ऐसा हो जो हमें सही रिजल्ट दे दे, तो कहता है कि सेकंड प्रॉब्लम ढूंढना चाहते हैं, क्या देयर आर सेवरल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये बात यहाँ पे भी थी, पहला सॉल्यूशन, अब दूसरा सॉल्यूशन कहता है, दूसरा ये है मिनिमम जॉब फर्स्ट सिलेक्शन मेथड, हम ऐसा करते हैं वो कहता है कि क्यों ना ऐसा करें कि मिनिमम जॉब फर्स्ट मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और मिनिमम जॉब फर्स्ट का मतलब है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो जॉब्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन भी लिखी है कि हर जॉब की ड्यूरेशन कितनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो जॉब छोटी है उसको हम पहले जगह दे देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट के तौर पे एक एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं SJF के नाम से, स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट, जो स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट है उसको कर दें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराओ, ये बात हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम में भी पढ़ चुके हैं, अब नहीं यूज होता, फेल हो गया,
लेकिन ये एक 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 सॉल्यूशन का तरीका तो है। इसने कहा कि हम भी यही सोचते हैं कि मिनिमम जॉब फर्स्ट सिलेक्शन के तौर पे हम काम करते हैं। यानी क्या मतलब होगा कि इसके अंदर मिनिमम जॉब टू भी है, लेकिन बहुत सारे टू हैं, थ्री भी हैं और बहुत सारे थ्री हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। ये जॉब वन है, ये जॉब टू है, ये जॉब थ्री है, क्योंकि ये तो हमारे पास एक एप्लीकेशन आई भी होंगी कि हम ये जॉब करना चाहते हैं, हमारी टाइमिंग ये है, आपने सेलेक्ट करना है कि तुम कर सकते हो, और मैक्सिमम जॉब जो है, यानी मैक्सिमम जॉब की जगह एक्टिविटी बोलो तो मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करानी। आपने कहा सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैं इसको भेजता हूँ, सबसे छोटी जॉब ये वाली है, तो इसका मतलब मैं कहता हूँ तुम तो कर लोगे, तो कौन सी जॉब हो गई, यानी कौन सी एक्टिविटी हो गई, A1 की एक्टिविटी। A1 की एक्टिविटी थ्री पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब अगली स्मॉलेस्ट जॉब को देखेंगे जाके, अगली स्मॉलेस्ट जॉब जो है वो ये वाली है, और अगली स्मॉलेस्ट जॉब कब शुरू हो रही है आपके पास, अगली स्मॉलेस्ट जॉब शुरू हो रही है 8 पे, समझ आ रही है, और 8 पे शुरू होके कहाँ पर खत्म हो रही है, 10 पे। अब इन्हें A6 तुम्हें भी अलाउ है, तुम भी जॉब कर सकते हो। तीसरी स्मॉलेस्ट जॉब जो है वो ये वाली है, ये कहाँ से शुरू हो रही है आपके पास, ये शुरू हो रही है 9 से, लेकिन ये खत्म कहाँ हो रही है, 10 पे। तो 10 पे खत्म हो और अगली, सॉरी 10 पे खत्म हो और ये 9 पे, 9 10 पे खत्म हो और ये 9 से शुरू हो, पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ये इस वक्त कंसिडरेबल नहीं है। तो आप कहेंगे अगली स्मॉलेस्ट जॉब सॉल्यूशन के हिसाब से, सिक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से ये वाली है। आप कहेंगे ये कहाँ से शुरू हो रही है, आप खत्म कहाँ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं 10 पे। तो यकीनन 10 पे खत्म कर रहे हैं, 2 से शुरू नहीं कर सकते, 3 से शुरू नहीं कर सकते, यानी 4 से शुरू नहीं कर सकते, अगली स्मॉलेस्ट ये थी। और अगली स्मॉलेस्ट फिर ये वाली है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, 11 से। आप कहेंगे हाँ 10 से खत्म करके 11 से। तो कौन कौन सी जॉब सेलेक्ट हो गई, आपकी पहली जॉब ये वाली सेलेक्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद अगली जॉब जो है ये वाली सेलेक्ट हो गई, और उसके बाद अगली जॉब ये सेलेक्ट हो गई। आपने कहा अगर मैं ये मेथड अडॉप्ट करूँ कि स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट करना है मुझे, तो ये 3 जॉब सेलेक्ट हो जाएंगी, A1, A6 और A8। देखो मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है कि अगर हम इस बेसिस पे करें तो ये बात सामने आती है कि मिनिमम जॉब अगर हम सेलेक्ट करें तो A1, A6 और A8 जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि, लेकिन अब ये कौन प्रूफ करेगा कि ये मेथड जो हमने अडॉप्ट किया है इससे जो रिजल्ट आया ये ऑप्टिमल है या नहीं, यानी ऑप्टिमल से मुराद ये है कि इससे बेहतर रिजल्ट आइंदा कभी हमें मिलेगा नहीं, इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे, यानी इस वाले केस में चलो हमें मिल भी गया हो, यानी इस वाले केस में जो डेटा दिया हुआ इसमें मिल भी गया, लेकिन अगला जो डेटा आएगा उसमें भी ये मेथड फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा ये कौन प्रूफ करेगा। तो उसने समझाने के लिए एक डायग्राम दिया, देखो कहता है कि इससे नुकसान क्या होने जा रहा है या इससे नुकसान हमें क्या में नजर आता है। तो वो कहता है कि अगर कभी आपका डेटा यूं स्प्रेड हुआ हुआ हो, अगर आपका डेटा यूं स्प्रेड हुआ हो, यानी मैं इस बात की प्रूवनेस को बता रहा हूँ कि अगर आपका डेटा यूं स्प्रेड हो, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं कि जो मेथड हमने मिनिमम जॉब फर्स्ट सिलेक्शन का अडॉप्ट किया उससे हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल कर लिया इस वक्त स्पेसिफिक डेटा के लिए जो डेटा हमें दिया हुआ था, और हमें अब ये बात समझ नहीं आ रहा या आ रही कि भाई ये जो रिजल्ट हमें आया है इससे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर कोई दूसरा डेटा सेट भी हमें मिले तो हमें इसी मेथड को अडॉप्ट करके बेस्ट रिजल्ट मिल रहा हो। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इसको हम यहाँ पे इस तरह देखते हैं, कहता है व्हाई दिस इज नॉट ऑप्टिमल, समझा रहा है कि सपोज करो ये एक छोटा सा डेटा सेट मुझे दिया हुआ है, ठीक हो गया, ये एक छोटा सा डेटा सेट दिया, ये कोई और डेटा सेट, क्वेश्चन देखो किसी ने पूछा, A4 का स्लॉट फ्री है ना, A4 का स्लॉट फ्री है ना, अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करो तो मैं तुम्हारा सवाल लेता हूँ, पहले समझा दूँ फिर मैं तुम्हारे सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि औरों के भी सवाल ले लूंगा एक साथ ही ना, ठीक है, चलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि इस वाले मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेथड हमें इस वक्त नजर आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि ये फिजिबल, यानी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, जो रिजल्ट हमारे पास आया इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये हर दफा हर डेटा पे देगा, इसके लिए मैंने एक नया डेटा सेट जो यहाँ पिक कर लिया, ठीक है। अब इस डेटा सेट को देखें, जॉब वन, ये जॉब से एक्टिविटी वन 4 से 6 तक है, एक्टिविटी 2 1 से 4 तक है, एक्टिविटी 3 5 से 10 तक। अगर स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट के बेसिस पे चलाते हैं तो गौर से देखें क्या क्या सेलेक्ट होगा, ये देखना है, ये वाली जॉब सबसे छोटी है और ये स्टार्ट हो रही है 4 से, ठीक, ये स्टार्ट हो रही है 4 से, तो हम कहेंगे कि पहले तो आप ऐसा कीजिए कि A1 सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये स्मॉलेस्ट जॉब है,
ठीक हो गई। उसके बाद ये खत्म हो रहा है 6 पे और ये शुरू हो रहा है अगली जॉब शुरू रिवन से, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। और उसकी भी अगली जॉब जो है, जो आखिरी जॉब है वो 5 से शुरू हो रही है, इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि हमारा इस वक्त जो मेथड हमने ये पिक किया हुआ है, इसके बेसिस पे जो जॉब सेलेक्ट होंगी वो सिर्फ और सिर्फ A1 ही आएगी इस वाले डेटा के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हम जो मेथड अडॉप्ट करें वो बेसिकली सारे डेटा पे चलना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई इस वक्त तो ये, लेकिन हमें इस पूरे को एनालाइज करके ये नजर आ रहा है, अगर छोटा सा डेटा है फॉरन नजर आ रहा है, इस पूरे को एनालाइज करके नजर ये आ रहा है कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि आप A2 को चांस दें और A3 को चांस दें, और दे सकते हैं, ठीक है। A2 को चांस दें, इसका मतलब है A2 और A3 का सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई और है जो कि इस ये पिक नहीं कर पा रहा, मिनिमम जॉब फर्स्ट सिलेक्शन मेथड पिक नहीं कर पा रहा, और एक्चुअल में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ये है, और आप हमने जो मेथड अडॉप्ट किया वो ये वाला है, ये सेलेक्ट करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मेथड यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं वो मेथड जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेथड हर डेट हो सकता है कि इसके लिए इसने सही रिजल्ट भी दिया हो, लेकिन हर आने वाले डेटा सेट के ऊपर ये सही रिजल्ट नहीं देगा। तो ये बात प्रूफ करने के लिए छोटा सा डेटा सेट दिया गया है और बताया गया है कि देखो इस डेटा सेट का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है, लेकिन हमारा पिक किया हुआ मेथड जो सॉल्यूशन दे रहा है वो ये दे रहा है, ठीक है। उन्होंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की, देखो हो क्या रहा है, इशू क्या बन रहा है। इशू ये बन रहा है कि जो स्मॉलेस्ट जॉब है वो बेसिकली किसी मिडिल टर्म से शुरू हो रहा है, 4 से 6 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो बेसिकली इसके बियॉन्ड, यानी इससे पहले शुरू होकर इसके मिड पे खत्म हो रहा है, और जो इसके बाद की जॉब है वो भी इसके बीच में से ही कहीं शुरू हो रही है। यानी अगर गौर सुनना, अगर इस जॉब के बाद से कोई शुरू होता तो वो तो सेलेक्ट हो जाता, लेकिन इस जॉब के पहले पहले या इस जॉब के बीच में इस तरफ से सेलेक्ट अगर शुरू होगा तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट नहीं हो सकेगा। और जितनी ऐसी जॉब्स होंगी जो हमारे सिलेक्टेड मिनिमम जॉब ड्यूरेशन वाले से पीछे की तरफ से शुरू हो रही होंगी, नहीं उससे पहले शुरू हो रही होंगी, वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं इस बेसिस पे ये मेथड जो है वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि ये मेथड अडॉप्ट किया जाए कि स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट को हम पिक करें, ठीक है। अब मैं जरा सवाल लेता हूँ आपसे, तो एक दो स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस वाले के बारे से था, उन्हें पूछ लेता हूँ उनसे ताकि जो है वो हम इसको क्लियर करने की कोशिश करें। जी क्या पूछ रहे थे, मैं अनम्यूट करता हूँ, आपके सवाल कर लिए। लिखा हुआ है सर लेकिन A4 का स्लॉट तो फ्री है ना, यानी जो पहले वाले हमने मेथड ये वाले यानी डेटा सेट लिया था इसमें स्मॉलेस्ट जॉब के हिसाब से। देखो स्मॉलेस्ट जॉब के हिसाब से अगर हम देखें तो मसला ये है बेटा, फ्री तो होगा लेकिन ये स्मॉलेस्ट जॉब नहीं है इसकी, अगर मैं सही समझाऊँ आपका सवाल, वरना मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ। और ये स्मॉलेस्ट जॉब तो है नहीं, इसकी तो बारी सबसे आखिर में आएगी, है ना। सबसे पहले बारी आएगी इसकी सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाए, फिर बारी आएगी इसकी अगर ये सेलेक्ट होने काबिल हो, फिर बारी आएगी इसकी अगर ये सेलेक्ट, अगर इनमें से कोई रिजेक्ट हो रहा नहीं तो फिर बारी आएगी इसकी, फिर इसकी आएगी, फिर इसका टर्न आएगा, फिर इसका टर्न आएगा, फिर इसका टर्न आएगा, फिर क्योंकि हमने इस वक्त मेथड सेलेक्ट किया स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट सिलेक्शन, ठीक है। मैं सवाल दे लेता हूँ आपको, बता नहीं A3 जो है वो ये वाला है, मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ। अच्छा जी देखो फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हम अभी हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट सिलेक्शन, इस मेथड को अडॉप्ट किए बैठे स्मॉलेस्ट एक्टिविटी फर्स्ट सिलेक्शन, ठीक है। अगर इस मेथड को हम अडॉप्ट करके चल रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना होगा कि अगर दो जॉब दो एक्टिविटी सेम ड्यूरेशन की है तो किसको पहले लें, तो फिर उसमें हमने कहा सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, ये भी हमें तय कर दिया। अब जब सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे की तरफ जा रहे हैं तो पहली छोटी जॉब जो है वो 2 है, सही यहीं पे लिख लेते हैं, और इसकी एक्टिविटी नंबर जो है वो है A1, तो इसका मतलब है आप कहेंगे एक्टिविटी नंबर A1 सिलेक्ट कर लें, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद आप कहेंगे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, 3 ये वाला 3 स्मॉलेस्ट नहीं है, ये वाला 3 स्मॉलेस्ट नहीं है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आगे जा रहे हैं, आप सबको बाईपास करते हुए जाएंगे और अगला स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, आप कहेंगे अगला स्मॉलेस्ट ये वाला है, ठीक है। इस एक्टिविटी का नंबर 6 है, चेक करेंगे फिजिबल है या नहीं है, क्योंकि 2 पे खत्म हो रहा है, सॉरी 3 पे खत्म हो रहा है और 8 पे शुरू हो रहा है,
फिजिबल है, इसका मतलब है A6 फिजिबल है, आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे इसको। फिर आप कहेंगे अगली स्मॉलेस्ट जॉब, अगली स्मॉलेस्ट जॉब ये वाली है, अगली स्मॉलेस्ट जॉब से मतलब एक्टिविटी, अगली स्मॉलेस्ट एक्टिविटी ये वाली मतलब है 7 एक्टिविटी। ये जो 7 वाला है ये सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि आपके इससे पिछली वाली एक्टिविटी 10 पे खत्म हुई है, तो 9 से जॉब कैसे, 9 से एक्टिविटी शुरू कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है होना तो इसको चाहिए था लेकिन स्टार्टिंग टाइम सही ना होने की वजह से इसको रिजेक्ट कर देंगे। आप कहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब कौन सी है, आप कहेंगे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब अगर हम देखें, अच्छा अभी आपने रोका हुआ है कहाँ पे, 10 पे, आपने 1 पे शुरू किया 2 पे खत्म किया फिर 8 पे शुरू किया और 10 पे रोक दिया आपने, सही है ये बात समझ में आती। फिर आप कहेंगे कि अगली स्मॉल, क्योंकि सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना आप तरतीब बता रहे हैं, पहले A1 को ट्राई वो दो आप चांस दो, फिर A6 को चांस दो, अब आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में जा रहे हैं तो A6 ने जब जॉब खत्म की होगी तो वो जॉब 10 पे खत्म की होगी, समझ आए थे, A6 ने जॉब खत्म की होगी 10 पे, ऐसा तो नहीं कर सकता 6 पहले कर ले और A1 बाद में कर ले, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 से 10 पे जाएगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि फिर उसके बाद इसकी बारी आए, ठीक है। तो हम तो टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब आप अगले छोटे को ढूंढेंगे तो आप कहेंगे 3 है लेकिन इससे पहले ये 3 है, तो ये 3 फिजिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल फिजिबल नहीं है क्योंकि ये शुरू 2 से हो रहा है और आप एंडिंग 10 पे किए बैठे हैं, ये वाला भी फिजिबल नहीं है, ये भी फिजिबल इसलिए नहीं है कि आप एंडिंग 10 पे किए हुए और ये शुरू जो है वो 4 से हो रहा है। फिर अगला फिजिबल यानी 3 कौन सा है, अगला 3 है, तो ये वाला 3 इसलिए मैंने इसको जो एक्टिविटी नंबर 8 को इसलिए कंसिडर किया है कि ये है तो स्मॉलेस्ट यानी शॉर्टेस्ट है, ठीक है, अपने सिक्वेंशियल ऑर्डर के हिसाब से, और शुरू 11 से हो रहा है और हम अभी खत्म कब कर बैठे हैं 10 पे, तो 10 पे खत्म करके 11 पे शुरू कर सकते हैं, लिहाजा A8 भी इसका जो है वो फिजिबल सोल्यूशन बन जाएगा और इस तरह से ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। लेकिन मैं फिर बार बार जो कह रहा हूँ ये कौन प्रूव करेगा कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। इस वाले डेटा सेट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वाले डेटा सेट के लिए माइट बी इट इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन बट नॉट एवरी टाइम, बिकॉज कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डेटा सेट हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शो किया था तो इस बेसिस पे आप कहेंगे कि हाँ वाकई में नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये नहीं दे रहा। मैं दोबारा सवाल लेता हूँ आपसे, ठीक, ओके सर, समझ गए, थैंक यू मैम, ठीक है। तो ये दो हमने मेथड अडॉप्ट किए और दो मेथड अडॉप्ट करने के बाद जो है, जी सर आप बोले, अनम्यूट करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब, जी यही हमारा टारगेट भी है कि वी आर सीकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इन बिटवीन द गिवन जॉब्स, ये तो ऑप्टिमल, जी ऐसा ही है, डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू अरेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इन दैट स्पेसिफिक एरिया, यानी हॉल है, ग्राउंड है, तो इस वक्त हमारे पास यही बेसिकली क्वेश्चन है रेज हुआ हुआ कि वी नीड टू बेसिकली ऑर्गेनाइज और अरेंज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी इन स्पेसिफिक हॉल, अगर हॉल कह रहे हैं और अगर ग्राउंड कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे यही कह रहा है सवाल में, अगर आपको दोबारा से दिखा दूँ तो ये है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्क्रूटनी सर्वर एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज विद गुड ऑफ द सिलेक्टिंग अ मैक्सिमम साइज सेट ऑफ म्यूचुअल कंफर्टेबल एक्टिविटी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, अच्छा जी, गुड। Can they be more than one? हाँ, more than one तो हो सकता है, more than one तो हो सकता है, लेकिन जो पहला best होगा उसको हम select कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, more than one data के पर dependent है, more than one, लेकिन एक बात है, more than one हो सकता है कि ऐसा जरूर हो सकता है, इनका सवाल valid है बिल्कुल, कि ऐसा जरूर हो सकता है कि आप जो भी method adopt करें, और सुनिए क्या कह रहा हूँ, जो भी method adopt करें हो सकता है कि A1, A6 और A8, ठीक है, ये एक सेट बना हो जो कि ऑप्टिमल हो, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्टिमल है, ठीक, और हो सकता है कि किसी और ने चलाया हो कोई और मेथड से, उसके पास आ जाए A2, A3 और A7, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, या वही मेथड दोबारा इस्तेमाल किया हो और ये भी ऑप्टिमल है, तो ये तो पॉसिबल है कि जो भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला मेथड था ना, सबसेट बनाने वाला मेथड, जब ये जो स्क्रीन खुली हुई है अभी, इसमें हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए,
इस वाले, क्योंकि आपने सारे पॉसिबल सॉल्यूशन बनाए और चार पॉसिबल आंसर आ जाए जो कि एक जैसे ही हो, इसमें तीन तीन एलिमेंट आ, तीन तीन एक्टिविटीज आ रही हो, तो आप कहेंगे चाहे इसको चांस दे दो, चाहे इसको चांस दे दो, या किसी, लेकिन ये जहन में रहे कि एक जैसे तो हो सकते हैं, यानी साइज वाइज डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, लेकिन एक्टिविटीज नंबर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से सेम तो हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इससे अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात जहन में रखें। वी कैन हैव बेसिकली द सेम साइज ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये बात हो सकती है, लेकिन जब हम ये श्योर हो जाएं कि यही मैक्सिमम है, तो फिर उससे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट उस वाले अडॉप्टेड प्रॉब्लम के आंसर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि जब हमने दो रिजल्ट को फेल कर दिया, यानी ये एक तो इस वजह से फेल किया है कि ये अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फेल हुआ है, और एक इसलिए फेल हो गया है मिनिमम जॉब फर्स्ट वाला कि इसके अंदर फिजिबल यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर डाउट है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है वो है भी या नहीं है, इसलिए फेल हो गया। अब अगला जो हमारे पास मेथड है वो ये कहता है कि अगर हम रेंडमली सेलेक्ट करना शुरू कर दें, जैसे अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक सिलेक्शन किया है, तो वो कहता है कि मिसाल के तौर पे हम जो है वो ये करें, देखें समझाने की कोशिश करूँ कि आप ये करें कि जो भी आपको एक्टिविटीज दी जाए, अब मैं आपको मतलब सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपको जो भी एक्टिविटीज दी जाए, व्हाटएवर एक्टिविटीज यू हैव been given by any user, तो उसको आपने ascending order में arrange कर लेना है सबसे पहली बार। अब आप अपने solution की तरफ जा रहे हैं, और वो मैं समझाऊंगा कि जाहिर है ये तो पहले से solved है, हम हमारे लिए तो बड़ा दुश्वार होता है कि हम इस तरह सोचते, लेकिन this is already solved question, तो हमें हम उसको adopt कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो activity दी जाए, अब आप यहाँ observe भी कर रहे होंगे, उसको आप ascending order में arrange कर लेंगे with respect to finish time, not the start time। ठीक है, start time आगे पीछे हो जाए, लेकिन finish time के हिसाब से उसको आप organize कर लेंगे। देख रहे हैं आप, इसका start time जो है, मैं अगर देखूं इस data में देखूं, तो इसका start time जो है 1 है, और इसका भी start time 1 है, लेकिन ये कितनी दूर लिखा हुआ है sequential order में, और ये सबसे पहले लिखा हुआ है। तो हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज से मुराद है, अब मैं वर्ड अरेंज यहाँ का मुराद है सॉर्ट कर देंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के जो कि हमने पढ़ लिए हैं, सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद, वो भी विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टाइम के हिसाब से, यानी आप करेंगे अरेंज विद असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टाइम। अब देख लीजिए यहाँ पे फिनिश टाइम के हिसाब से ऑर्डर अरेंज हुआ, A1 जॉब 3 पे खत्म हो रही है, सबसे छोटी है एंडिंग टाइम इसका, A2 जॉब, A2 एक्टिविटी 5 पे खत्म हो रहा है, A3 एक्टिविटी 7 पे खत्म हो रहा है, A4 एक्टिविटी 8 पे, और आप देख लें फिनिश टाइम के हिसाब से ये सारी एक्टिविटी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई। ये बात समझ में आती है, हमने कहा था सबसे पहले आप सॉर्ट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टाइम, ये पहली बात है, कर लिया हमने। इसको करने के बाद अब हम अगला स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि आप जो है उसको अब पिक करना शुरू करें, ठीक है, जॉब को नंबर 1 पोजीशन से, पहली पोजीशन से, यानी अब आप एक्टिविटी नंबर 1 सेलेक्ट करें, तो आप कहेंगे ठीक है एक्टिविटी नंबर 1 से आपने शुरू किया एक्टिविटी नंबर 1। ठीक, अब आप आसानी देख सकते हैं कि ये 3 पे खत्म हुआ है, ठीक है, ये 3, तो आगे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 3 पे खत्म हुआ, यही वो एक्टिविटी है जो 3 पे खत्म हुआ, यानी अगर हमने कहा कि 1 बजे शुरू हुआ तो 3 बजे खत्म हो गया, तो 3 पे खत्म हुआ तो आगे कोई भी 3 o'clock पे खत्म होने वाली जॉब नहीं है। अब देखना है कि शुरू कहाँ से हुई है, तो ये वाली जॉब 2 से शुरू हुई है, यकीनन हम अगला सेट इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि 3 पे खत्म हो रहा है, ये बिटवीन में आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये 3 पे खत्म हो रहा है और वो जॉब जो है वो 2 से शुरू होना मांग रही है, ऐसे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, और फिर इस बेसिस पे अगले को चेक करेंगे यहाँ से, ठीक, इसके बेसिस पे, इसके देखें फिनिश टाइम पे मार्क किया हुआ मैंने, फिनिश टाइम को इनिशियल टाइम से चेक कर रहे हैं, यानी स्टार्ट टाइम से चेक कर रहे हैं,
ये थ्री पे खत्म हो रहा है, फोर से शुरू हो रहा है, तो A3 इज नेक्स्ट फिजिबल एक्टिविटी फॉर दिस सेट A3। और फौरन हम इसका स्टार्ट टाइम, अगर मिसाल के तौर पे इसका फिनिश टाइम इनिशियली हम किसी के में रख लें, और से देखिए क्या कह रहा हूँ, किसी के में रख लें इनिशियल, तो अभी तो यही इसी का फिनिश टाइम जो है वो सबके स्टार्ट टाइम से चेक हो रहा है, पहले इससे चेक हुआ फिर इससे चेक हुआ। ठीक, जैसे ही हमने कहा ये फिजिबल हो गया है ये वाली एक्टिविटी, इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन तो कर ली हमने, लेकिन अब इसका एंडिंग टाइम जो है वो इसको दे दिया जाएगा, के को अपडेट कर देंगे और के के पास 7 आ जाएगा, ताकि अब हम 7 से चेक करें। तो अब हमारी जॉब 7 पर खत्म हुई है, इससे चेक नहीं करेंगे, 7 पर खत्म हुई है, 7 से चेक करेंगे अगले के स्टार्टिंग से। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी जॉब के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए यानी सेट के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए फिजिबल नहीं है। ये वाला जो है 5 भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये 5 से शुरू हो रहा है या 7 पर खत्म हो रहा है। ये वाला 8 फिजिबल है, ये 8 जॉब एक्टिविटी नंबर कौन सी है, एक्टिविटी नंबर 6 है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 6 है। उसके बाद आपने कहा कि अब आप क्या करेंगे, 8 का एंडिंग टाइम 10 है, इस के को जो एंडिंग टाइम को मेंशन कर रहा है इस 10 को असाइन कर देंगे के को, 10 असाइन कर देंगे के को, और अब आप 10 से मैचिंग शुरू करेंगे। अगली एक्टिविटी जो है 9 से शुरू हो रही है, आप कहेंगे ये फिजिबल नहीं है, उसकी अगली एक्टिविटी 11 से शुरू हो रही है, आप कहेंगे, और वो एक्टिविटी नंबर 8 है, तो आप कहेंगे एक्टिविटी नंबर 8 जो है वो हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। ठीक है, वासन भाई, इस तरह से ये हमारे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है कि इसके अंदर, और सुनिए जैसे उन्होंने पूछा था, हो सकता है कि इसके अंदर 4 जॉब सिलेक्ट की जाए, कोई और हो तो वो बेसिकली हम सेलेक्ट कर सकते, लेकिन ऐसा जरूर है कि असेंड, और सुनिएगा क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप जो मेथड अडॉप्ट करेंगे उसमें 5 जॉब किसी सेट में नहीं आएगी, यानी आप 5 जॉब्स क्या कहते हैं अरेंज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसको प्रूफ कौन करेगा कि बाकी ऐसे जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है, कि मैंने जो मेथड अडॉप्ट किया है उसमें 4 जॉब्स आ गई हैं और कोई 5वीं जॉब नहीं आ सकती, चाहे इस असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद कोई भी तरीके का इख्तियार कर लें। हाँ, 4 जॉब तो आ सकती हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं आ सकती, कौन प्रूफ करेगा इसको भाई कि ये बात सही है नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एज्यूम करता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे अपने एक कि मैंने फर्स्ट से शुरू किया, मैं एज्यूम करता हूँ, सवाल लेता हूँ आप लोगों से, कि मैं इसको इस वक्त शुरू कर देता हूँ 2 से। मैंने कहा नहीं, मैं पहले से शुरू नहीं करता, मैं 2 से शुरू करता, 2 से शुरू किया मैंने। अच्छा, अगर मैंने 1 से शुरू किया था तो नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 1 से शुरू किया था, इफ स्टार्टेड फ्रॉम A1, इफ स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम A1, तो हमारे पास जॉब्स आ गई थी A1, A3, फिर A6, A8, राइट, A8. अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ A2 से, स्टार्ट कर रहा हूँ A2 से, ठीक है, तो ये आप कहेंगे A2 से स्टार्ट करती हूँ, A2 से स्टार्ट करूंगा तो पहली जॉब तो A2 खुद आ जाएगी, और तरीकेकार वही है जो भी हम अडॉप्ट कर बैठे हैं, कि इसका जो फाइनल टाइम अरेंज कर लिया है हमने, लेकिन स्टार्ट हमने कहा A1 से नहीं करना चाहते, A2 से करना चाहते, कर लो, A2 से स्टार्ट किया, ये 5 पे ख़त्म हो रहा है, 5 पे ख़त्म होने के बाद अगली जॉब 1 से शुरू हो रही है, फेल हो गई, उसकी अगली जॉब जो है वो 5 से शुरू हो, और से देखिए क्या कह रहा हूँ, अगली जॉब 5 से शुरू हो रही है, क्या ये जो अगली जॉब है ये वाली, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो 5 पे ख़त्म हो रही है 5 पे शुरू हो रही है, तो ये वाली एक्टिविटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकते, एक चीज 5 पर खत्म हो गई तो अगली वाली हम 5 पे, अगला इसके अंदर आ जाएगा A5, ठीक हो गया, उसके बाद फिर हम उसकी अगली जॉब, अब इस 9 से चेक करेंगे, 9 पे खत्म हुआ है, 8 से शुरू करें पॉसिबल नहीं, 9 से शुरू हुआ है, 9 पे खत्म, 9 पे खत्म हुआ है, यानी एंडिंग फिनिश 9 पे हुआ है, और 9 से शुरू करें पॉसिबल है, तो इसका मतलब वी कैन सेलेक्ट द A7, वी कैन, हालांकि देखो बीच वाले डिफरेंट आ रहा है, Now the finish time is considerable is 11. 11 को खत्म हुआ, 11 से शुरू करें, it might be possible कि ये सही मतलब कर सकते हैं, might क्या ये possible है क्या कर सकते हैं, so we can select the A8 as well. So 8.
we have now four activity in four different activity as compared to the first one, but is a four. इसका मतलब है कि ये भी optimal solution होगा, ठीक है? ये भी optimal solution होगा, ये भी optimal solution होगा. अब सवाल यहाँ पे मेरा ये है, question मेरा ये है आपसे कि अच्छा मैं जरा आपके सवाल लेता हूँ. Okay, very good. समझ में आ गया मुझे. अब question सुनना मेरे, जो question है. क्योंकि हमारा जो टास्क है वो जरा डिफरेंट है. लोगों ने कर तो दिया है लेकिन हम उसको देख रहे हैं लोगों ने किस अंदाज में किया. सवाल मेरा ये है कि मैंने अपनी जॉब को असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टाइम कर दिया और उसके बाद मैंने उसको पहली जॉब से पहली एक्टिविटी से सेलेक्ट अपने सेट बनाने शुरू किया, ऑप्टिमल सेट बनाने शुरू किया, ठीक है? उसकी वजह से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया. क्लियर हो गई बात ये? और फिर मैंने यही काम सेकंड से शुरू किया और फिर मेरे पास एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया. हो सकता है मैं थ्री से करूं तब भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए, ठीक हो गया? सवाल मेरा ये है कि क्या ये 100% श्योरिटी है कि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू फिनिश टाइम कर लूं और पहली जॉब पहली एक्टिविटी से शुरू करूं तो इस जो तो फिर मेरे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा उससे बेहतर ऑप्टिमल सोल्यूशन आ नहीं सकता. बेहतर का मतलब ये नहीं कोई जॉब कोई भी हो, लेकिन जितना सेट के अंदर एक्टिविटी आ जाएगी उससे ज्यादा एक्टिविटी आ नहीं सकती. एक बात, अगर मैं A1 से स्टार्ट करूं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अभी ये जुमला मैं A2 के लिए कह सकता हूँ कि अगर मैं A2 से शुरू करूं ठीक है, और उसके बाद मैं आगे की तरफ जाऊं तो मेरे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा उससे बेहतर ऑप्टिमल सोल्यूशन आ नहीं सकता A2 से शुरू करने पे. तो दोनों में से कौन सी बात ट्रू होगी? तो आप कहेंगे कि मुझे सवाल नो टोटल एक्टिविटी टाइम पे मैटर करेगा या नहीं. अच्छा, टाइम पे मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा रिजवान भाई. सवाल सुनने की कोशिश करना कि अगर मैं लेता हूँ सवाल आपसे, पहले मेरे सवाल के आंसर देने शुरू करो. अगर मैं 2 से शुरू करूं इस वक्त के डेटा के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 से शुरू करूं या 2 से शुरू करूं, मुझे ऑप्टिमली मिलना है. अब सवाल जैसे जैसे पीछे मैंने किया था कि पिछले वाले पार्ट में किया था, अगर मैं 2 से शुरू करूं और डेटा चेंज कर लूं तो क्या वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा या 2 से शुरू करने से हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और 1 से शुरू करने पे हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस बात की श्योरिटी हमें कौन देगा? तो हम कहेंगे कि भाई